यस सो हेलो एवरीबॉडी, दिस इज प्रद्युम कौरव एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल जिसका नाम भी प्रद्युम कौरव है। और आज का टॉपिक हम लोग के पास, जैसे कि मैंने थर्ड ईयर का बताया था डिपार्टमेंट और वो सब, मेरे को भी ऐसी रिक्वेस्ट आई थी कि भैया सेकेंड ईयर का भी डालो, ठीक है। तो सेकेंड ईयर का मैं आज डिपार्टमेंट वगैरह, टीचर्स वगैरह कैसे हैं, किस डिपार्टमेंट में मेहनत करने की ज़रूरत है, किस डिपार्टमेंट में मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे और आपको एक जनरल एक्सपोजर देंगे। और स्टार्ट करते हैं फिर। यस तो भाई, सबसे पहले एग्जाम तो खत्म हो ही गया हमारे, है ना। अब वीडियो ही वीडियो है, तो मौज में करो, ठीक है, मौज में रहेंगे अब। और सेकेंड ईयर का मैं अगर बता दूं, शॉर्ट होगी वीडियो, थोड़ी ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा मैं। तो यार सबसे पहले देखो, सेकेंड ईयर के जो आपके जो फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट है वो तो कंटिन्यूशन में आएंगे ही, आपके जो हिस्टोलॉजी है और आपका एनाटॉमी है, ठीक है। और इन दोनों का डिपार्टमेंट वो सब मैं यहाँ वीडियो डाल दूंगा आई बटन में, आप देख लेना। वो सब मैं बता चुका हूँ कैसा डिपार्टमेंट है। एनाटॉमी का भाई हम लोग का अच्छा ही था, हिस्टोलॉजी का इतना कुछ ज़्यादा खास नहीं है, बस आप पढ़ लेना अपने हिसाब से, ठीक है। देख बस आखिरी में ये होगा, एग्ज़ाम अगर मैं आपको बोलूँ, एग्ज़ाम में कुछ कुछ बच्चे पूछे थे एग्ज़ाम भैया कैसे होगा, तो एग्ज़ाम में मैं बस इतना बोलूँगा कि आपको मेन वहाँ पे स्लाइड्स पहचानना है, ठीक है। आखिरी में जब आपका एग्ज़ाम होने लगेगा ना, आखिरी में जब आपका एग्ज़ाम होने लगेगा तब आपको सिर्फ 10 या 15 दिन पहले रोज़ जाओ वहाँ पे, स्लाइड्स पहचानो, क्योंकि 20-30 स्लाइड्स हैं वो आपको पहचाननी पड़ती है मेन एग्ज़ाम में मेन। तो उसके लिए आप थोड़ा प्रिपेयर रहना वहाँ जाके। तो आपको रोज़ वहाँ जाना है, अच्छे से स्लाइड देखनी है, बहुत सारी स्लाइड है वहाँ पे, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम में भी बेसिकली वो यही पूछते हैं, स्लाइड रहेगा और आपके पास 2-3 क्वेश्चन रहेंगे, तो उसके आपको थ्योरेटिकल आंसर देने पड़ेंगे। तो थ्योरेटिकल में आपको इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। मेन एपिथीलियम रिलेटेड होता है, ब्लड के क्वेश्चन रहेंगे, मतलब पूरा ही टॉपिक रहता है, पर मैं जनरल एक बता रहा हूँ आपको, यही सब क्वेश्चन रहते हैं। तो आप एनाटॉमी से थोड़ा रिलेट कर सकते हो, एनाटॉमी अगर अच्छे से पढ़ी होगी तो उसमें आपको एपिथीलियम ये सब पता चल ही गया होगा, तो वही आपको इधर सुनाना है, तो ऐसी कोई दिक्कत जाएगी नहीं, नॉर्मल है। पर वो एक टीचर है, उसमें आपने सुना होगा, ये मतलब बार बार बोलता है, थोड़े बूढ़े से हैं वो, तो वो बार बार वही बोलता है, नॉलेज एब्सेंट मार्क टू। तो ये वाले टीचर को आप जानते हो, उससे थोड़ा बच के रहना। औरंगबाग में बेसिकली वो टीचर है, थोड़ा खतरनाक। बाकी तो डिपार्टमेंट में ठीक है, ठीक ही टीचर है। बस सबसे ज़्यादा अच्छी मैम बस हिस्टोलॉजी में एनास्तासिया मैम है, बस वही है, जिसको मिलती है तो भाई उसकी किस्मत अच्छी है, बाकी तो इतना कुछ ज़्यादा खास है नहीं हिस्टोलॉजी का डिपार्टमेंट, ठीक है। देन सेकेंड ईयर में जो दो मेन सब्जेक्ट आएंगे, बाकी सब्जेक्ट देखो, रशियन एशियन वो सब मैं नहीं बोलूँगा, वो सब नॉर्मल है भाई, जो रशियन है वो रशियन। मैं मेन सब्जेक्ट जो दो आपके रहेंगे उनकी बताऊँगा। तो सबसे पहले आपका फिजियोलॉजी रहेगा, दूसरा बायोकेमिस्ट्री, और सेकेंड ईयर में आपका जो आप दिसंबर में एग्ज़ाम दे दोगे, तो उसके बाद जैसे एनाटॉमी आपका ख़त्म होता है, हिस्टोलॉजी ख़त्म होता है, यहाँ पे एक सब्जेक्ट और जुड़ जाता है जो कि है माइक्रोबायोलॉजी, तो उसका मैं थोड़ा बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले फिजियोलॉजी का सुन लो। फिजियोलॉजी में देखो डिपार्टमेंट पूरे ही अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको रोज़ पढ़ना है, पढ़ के जाना है और उनको सुनाना है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा मैं बोलूँ, सबसे बेस्ट टीचर तो यिवगेनी है, EVGENI, यिवगेनी नाम है, ठीक है। और वो मतलब हम लोग के वही सर थे, तो यार बहुत अच्छे हैं वो, उसके में मतलब ये है कि तुम्हें फिजियोलॉजी बन जाएगी, ठीक है, ऐसी कोई तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी, बस तुम्हें रोज़ का रोज़ पढ़ के जाना पड़ेगा। हफ्ते में मतलब एक क्लास रहती है, तीन घंटे की, वो भी दो क्लास रहती है मेन, मतलब एक ही दिन में दो क्लास रहेंगी, ठीक है। तो उसके लिए आपको पढ़ के जाना पड़ेगा, और बहुत अच्छे से वो सर समझा भी देंगे तुम लोग को, दिक्कत ऐसी नहीं आएगी। उनकी इंग्लिश भी बहुत अच्छी है, और चूतियाँ उनको तुम बना सकते नहीं हो, ठीक है, उनको भी, तो उससे थोड़ा बच के रहना। और अगर वो मिले तो बहुत अच्छा है यार, फिर तो सोने पे सुहागा अगर वो मिलता है। दूसरे एक बूढ़े से टीचर हैं, मतलब उनके बाल हाल थोड़े सफ़ेद हैं, पर उनकी इंग्लिश अच्छी, पर पढ़ाते इतना कुछ खास नहीं है, तो यार ठीक है, तब भी बच्चे पढ़ लेते हैं। और तीसरा एक ये मतलब फीमेल टीचर है, वो कुछ लोग बोलते हैं यिवगेनी सर की बहन है या पत्नी है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कौन है वो, शायद उनकी सिस्टर ही है वो, वही पढ़ाती है, उनकी भी इंग्लिश बहुत अच्छी है, तो दोनों ही मतलब अच्छा पढ़ाते हैं। तो फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, पूरा ही डिपार्टमेंट ही अच्छा है, ठीक है। ये वीडियो मेनली उनके लिए जो फर्स्ट से सेकेंड ईयर में बच्चे आ रहे हैं, ठीक है, उनके लिए। जूनियर्स का मैं जितना वीडियो मैं पहले डाल चुका हूँ, तो मेरे से मत पूछना कि फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स का ही बता दो, मैं पहले पूरा बता चुका हूँ भाई, भर भर के पिछले साल, ठीक है। देन अगर
मैं सेकंड डिपार्टमेंट जो बायोकेमिस्ट्री का है, अच्छा सॉरी पहले इसका बता दूं मैं, हाँ फिजियोलॉजी का डिपार्टमेंट जैसे पूरा अच्छा है, और आपके प्रैक्टिकल ना, प्रैक्टिकल देखो इस बेसिस पे होते हैं, हम लोग की जैसे पूरी क्लास लगी थी मार्च तक तो लगी थी, तो उसमें ना जैसे स्टार्टिंग में क्या होता है, ये लोग एक बुकलेट होती है, जैसे हर कोई भी तुम्हारे जैसे सेल फिजियोलॉजी होगी ना तो वो बुकलेट रहती है, वो तुमको लेनी पड़ती है, शायद 100 या 50 रुपीज़ की आती है वो, तुम ले लोगे तो अच्छा ही है क्योंकि उसमें क्वेश्चन आंसर फॉर्म में एक रहता है, तो वो तुम्हें लिख के, वो टास्क रहता है तुम्हारा मतलब हर क्लास का कि तुम्हें लिख के उसके चेक करवाना पड़ता है, तो एक टास्क वो रहता है उसके बेसिस पे नंबर मिलते हैं, एक जो तुम क्लास रिस्पॉन्स दे रहे हो, क्लास में तुम जैसे क्वेश्चन सर पूछेंगे तो तुम्हारा क्या रिस्पॉन्स रहता है एक नंबर उसके रहेंगे, और तीसरा आपका ये रहता है आपके रोज MCQ रहेंगे 100 नंबर का, उसमें 10 क्वेश्चन रहते हैं, तो वो आपको प्रिपेयर करके जाने रहते हैं, तो एक उस पे नंबर रहते हैं, ठीक है, तो तीनों क्लास के मतलब आपको 5 में से दिया जाता है, तो बेसिकली सबको 4-3 इतना ही देता है वो, 5 तो रेयरली देते हैं सर, ठीक है, तो देख लेना वो ये होता है। और प्रैक्टिकल पार्ट में आपका बेसिकली देखो हीमोग्राम रहेगा, जो ब्लड प्रोफाइल रहती है मेन की किसमें, जैसे ल्यूकोसाइट है अगर कम है तो ल्यूकोसाइटोपिनिया, ल्यूकोसाइटोसिस, ये सब मतलब पूरा हीमोग्राम रहता है। दूसरा आपका स्पायरोमीट्री रहती है, उसमें आपको जो वो रहते हैं ना टाइडल वॉल्यूम, वो सब आपको थोड़े मेजर करने रहते हैं, FEV1 FEV2 ये सब, तो वो सब कर लेना, और एक दो प्रैक्टिकल और होते हैं, और हर उसके बाद मतलब जो क्या बोलते हैं हर क्लास होगी ना, मतलब आपका एक क्लास हो जाएगी उसके बाद मॉड्यूल होता है, तो मॉड्यूल देखो फिजियोलॉजी में कुछ इस टाइप का रहता है कि आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में MCQ देना पड़ता है, जैसे हम लोग के फर्स्ट मॉड्यूल जो हुआ था उसमें हमको MCQ देना पड़ा था, बहुत मतलब 50 या 100 MCQ आते हैं, 100 नंबर के रहते हैं, वो क्लियर करो, उसके बाद तुम्हारे पास चॉइस रहती है, यहाँ सुनना, उसके पास चॉइस रहती है, ये कंपलसरी नहीं है, तुम्हें अगर आंसर सर को देने हैं, जैसे इतना बड़ा बुकलेट नहीं, जैसे एनाटॉमी में आपको वेरिएंट मिलते हैं ना, तो इसमें भी आपको वेरिएंट मिलते हैं, उसमें 5-6 क्वेश्चन रहते हैं, तो वो आपको सुनाने पड़ते हैं, तो वो यार यहाँ पे इन लोग ने कंपलसरी नहीं किया फिजियोलॉजी में, वो बस वो बच्चे जिनको अगर अपनी रेटिंग बढ़ानी है वो अगर देना चाहते तो दे सकते हो, तो तुम दे देना, हम लोग तो दे भी देते थे कभी कभी, कभी कभी नहीं भी देते थे, मन के ऊपर डिपेंड रहता था, तो तुम लोग की मर्जी हो तो तुम वो लोग दे सकते हो, ठीक है, तो इस टाइप का कुछ हम लोग का मॉड्यूल चलता था, और कुछ कुछ मॉड्यूल में तो प्रैक्टिकल पार्ट ही रहते थे, जैसे मैंने बताया ना स्पायरोमेट्री है सब, तो अलग अलग तुम्हें पूरी वैल्यू याद करनी पड़ेगी, और सर तुम्हें एक पूरा वो दे देते थे, क्या बोलते हैं स्पायरोमेट्री का पूरा ग्राफ ही देंगे, तुम्हें सर को पूरा समझाना पड़ता था कि अच्छा ये है तो क्यों है, ऐसा है तो क्यों हुआ है, ये सब तुम्हें पूरा ऐसा डिटेल्स में थोड़ा समझाना पड़ता है, ठीक है, अभी ऑनलाइन क्लास में तो ये सब हुआ नहीं, ऑफलाइन में पर इस टाइप का होता है, ऑफलाइन में तुम लोग देख लेना पूरा इस टाइप का, ठीक है, देन इतना ही है, और फाइनल एग्जाम में यार पूरे क्वेश्चंस की लिस्ट आई जाएगी, जितने पूरे आपको प्रिपेयर करना है और धड़ाधड़ सुनाना है, ठीक है, यही होता है इसके मॉड्यूल में और एग्जाम में, ठीक है, और प्रैक्टिकल पार्ट में यही होता है, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी रिलेटेड जैसे ब्लड कंपैटिबिलिटी ये सब भी, वो एक पूरा ब्लड का सैंपल्स वो सब लाते हैं, तो ये सब भी आपके फिजियोलॉजी में प्रैक्टिकल होते रहेंगे। देन अगर मैं सेकंड आ जाऊँ बायोकेमिस्ट्री का डिपार्टमेंट, तो सिर्फ मैं ठीक बोलूँगा बायोकेमिस्ट्री का डिपार्टमेंट, देखो क्योंकि रशिया में ना शायद ये प्रॉब्लम हर जगह है, जैसे इंडिया में तो बायोकेमिस्ट्री में तुमने देखा होगा साइकिल होती है, मेन साइकिल होती है, और उसके नीचे उसका रेगुलेशन, या जैसे प्रोटीन का ही चैप्टर ले लो, या क्रैब साइकिल, ये सब तुमने पहले अपने पढ़ी होगी, एल्डोलेस रिडक्टेस पाथवे, ये सब जितने भी पाथवे हैं, यूरिया साइकिल, तो इसमें ये लोग क्या करते हैं कि मेन, अब जैसे हम लोग क्या करते हैं, कोई भी साइकिल है वो मतलब मेन एंजाइम याद करें, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फ्रक्टोज 5 फॉस्फेट, ऐसे ऐसे करके मतलब सिर्फ नाम याद करके और एंजाइम नाम याद करना पड़ता है ना, यहाँ पे ये जिस सिस्टम इंडिया में ये सिर्फ एंजाइम याद करके पूरा साइकिल बता दो चल जाएगा, यहाँ पे ना ये लोग यार उल्टे तरीके से लेते हैं, यहाँ ये क्या करते हैं कि इनको स्ट्रक्चर्स चाहिए, जैसे तुम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है लिखा है साइकिल के ऊपर, वहां से स्टार्ट कर रहे हो साइकिल ग्लूकोज से, तो सबसे पहले उसको साइकिल बना मतलब पूरा स्ट्रक्चर बना, उसके बाद उसको तोड़ो, मतलब पूरी केमिस्ट्री लगा लगा के OH यहाँ डालो, बॉन्ड यहाँ तोड़ो, तो ये पूरा ये लोग को चाहिए रहता है, इसी बेसिस पे लोग नंबर देते हैं, और वहां पे हम थे वीक, खास करके मैं, मेरे को बॉन्ड ऑन तोड़ना भाई मैं भूल गया था 12th के बाद, और केमिस्ट्री वैसी मेरी वीक थी यार, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो मुझे बड़ी दिक्कत होती थी, और सबको ही दिक्कत होती थी, मेरे को क्या होगी, जो कुछ महारथी होते थे भाई उन्हीं को बनता था ये, और उनको भी कुछ ज्यादा खास नहीं बनता था, सिर्फ बेसिक लेवल पे बॉन्ड तोड़ना, इधर उधर शिफ्टिंग, ये सब, तो हम लोग के साथ बेसिकली होता था, साइकिल हमको पूरी याद रहती थी, बस ये जो स्ट्रक्चर्स होते थे उसमें बहुत दिक्कत जाती थी, ठीक है, तो यही कुछ यहाँ पे पैटर्न है, आप हर क्लास में जाओगे आपकी क्लास लगेगी, ठीक है, ऐसा नहीं क्लास नहीं लगेंगी, टीचर्स हैं 5-6 टीचर्स हैं, उनमें से अगर मैं बेस्ट टीचर बोलूँ तो यार एक रशियन वाली मैम है, नतालिया मैम है, ठीक है, थोड़ी यंग है वो,
वो स्ट्रिक्ट है, और यहाँ पे जो स्ट्रिक्ट टीचर है ना, वैल्यू उसी की रहती है। स्ट्रिक्ट टीचर होगा तो तुम पढ़ोगे, और स्ट्रिक्ट टीचर नहीं होगा तो तुम नहीं पढ़ोगे। हम लोग की स्ट्रिक्ट टीचर नहीं भी थी, पर तब भी हम पढ़ के जाते थे, हम लोग का हर बार का रहता है। अगर कोई सब्जेक्ट हम लोग के टीचर ढंग के नहीं मिले तो हम नहीं, मतलब ऐसा है कि हर बार वो पोर्शन पढ़ के जाएंगे, क्योंकि लाइफ में आगे कभी ना कभी पढ़ना पड़ता था। ठीक है, तो यही थोड़ा तुम लोग अपने अंदर भी लाओ कि अगर स्ट्रिक्ट टीचर नहीं भी मिलता है तो तुम लोग पढ़ के जाओ। ठीक है, बाकी जिन ग्रुप की नतालिया मैम थी बायोकेमिस्ट्री में, वो तो भाई फाड़ पढ़ाई करके जाते थे। हम लोग की थी तो हम लोग का ये था, एनाटमी के बाद ही, मतलब जिस दिन एनाटमी था उसी दिन हम लोग की दूसरी क्लास ये बायोकेमिस्ट्री लगती थी, तो हम लोग एनाटमी ज़्यादा पढ़ लेते थे और बायोकेमिस्ट्री थोड़ा ही पढ़ के जाते थे, ज़्यादा नहीं, सिर्फ साइकिल आइकिल याद करके जाते थे, तो हम लोग का कम ही हो पाता था उस चक्कर में, दोनों नहीं कर पाते थे। ठीक है, तो ये दिक्कत आती थी, पर तब भी कैसे ना कैसे पढ़ लेते थे। तो मैं वही बोल रहा हूँ, अगर नतालिया मैम रशियन में मिलती तो भली वो रशियन में बोलेगी, पर तुम्हें समझ आएगा यार, क्योंकि जो ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट है, तो ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट को इंग्लिश में भी वही बोलते हैं, और रशियन बोलोगे तो ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेटेज ऐसी करके वो बोलेगी, तो तुम्हें समझ आ जाएगा। ये बेसिक लैंग्वेज इतनी आ जाती है, तो वो साइकिल तुम ड्रॉ भी करोगे तुम्हें याद है तो चलेगा, वो तुम्हें नंबर देगी। ठीक है, बाकी जो टीचर्स हैं उनको इंग्लिश आती, पर वो स्ट्रिक्ट नहीं है, इस बेसिस पे इतना ज्यादा नहीं हो पाता, इस बेसिस से मतलब बच्चे इतना ज्यादा नहीं पढ़ता पढ़ पाते। हम लोग की भी मैम थी, पता नहीं क्या नाम था उनका, थोड़ी ओल्ड सी थी, ठीक है वो ही थी, तो वो इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं थी, तो हम लोग तभी पढ़ के जाते थे, पर वो इतना ज्यादा पूछती नहीं थी हमसे। ठीक है, और मॉड्यूल इन, और जैसे बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट यही है, इतना ही है, और मैं कुल मिला के थोड़ा बेटर ही बोलूंगा, जैसा मतलब वो है ना हिस्टोलॉजी डिपार्टमेंट, उससे थोड़ा बेहतर है ये, मतलब इसमें पढ़ाया जाता है, इसमें ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ा जाएंगे, तुम पढ़ाया जाएगा, तुम बस ध्यान नहीं दोगे, पढ़ाते तो वो है बस हम ही, हमको अगर सब्जेक्ट बोरिंग लगता है तो हम ही ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, तो आपका बेसिक लेक्चर रहेगा और यही रहता है, और ऐसी फिजियोलॉजी में लेक्चर रहेगा और आपकी क्लास रहती है, तो इसमें भी एक लेक्चर और आपकी क्लास रहेगी। ठीक है, अवतोमाद इन दोनों में नहीं है, मैं बता दूँ, सेकेंड ईयर में कोई अवतोमाद सिस्टम कुछ नहीं है, सिर्फ फर्स्ट ईयर तक ही रहता है, वो भी एनाटमी में बस। ठीक है, तो बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट कुछ ऐसा है, तो मैं खुद से ही पढ़ना है। और इसके टेस्ट के बारे में अगर मैं बता दूं तो यार, हम लोग के क्या रहते थे, वही एमसीक्यू रहते थे, बहुत सारे एमसीक्यू में वो टेस्ट में कंप्यूटर सिस्टम में देने पड़ते थे, तो जो वहीं पे थर्ड कॉर्पस, तुम अभी तो जैसे फोन में दे देते हो ना अपने इन्फॉर्मेशन सिस्टम, ऐसा नहीं है, वहाँ पे ऑफिस बना हुआ है इन्फॉर्मेशन, वहाँ पे रशियन बच्चे भी आते, तुम भी जाओगे, एक एक खाली होता जाता है, एक एक जाते हैं और फोन एक तरफ करवा देते हैं वो लोग। ठीक है, तो चीटिंग वीटिंग कुछ नहीं कर पाओगे, तो वहाँ पे आपको पढ़ के जाना पड़ेगा एमसीक्यू, वहाँ तुम्हारा वो लोग टेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर पास या फेल क्राइटेरिया होता था, मतलब 71 के ऊपर पास होते थे, तो उसमें तुम्हें एक 3 नंबर या 4 नंबर ऐसे मिल जाते थे। उसके बाद फिर तुम्हें क्लास में आना होता था, क्लास में तुम्हें वेरिएंट बटते थे, वेरिएंट तुम्हें एक एक को दिया जाएगा, और फिर तुम्हें जैसे साइक सेल साइकिल पूछी तो पूरा वही तुम्हें स्ट्रक्चर के साथ पूरी सेल साइकिल बोल रहा हूँ यार, कोई भी जैसे साइकिल दी हुई तो पूरी तुम्हें ड्रॉ करनी है साइकिल। उसके बाद क्या करना रहता था कि मतलब ये सब ड्रॉ करने के बाद उसका ऑटो रेगुलेशन या कुछ स्टेप्स उसके, किस स्टेप में कौन सा, जैसे कुछ कुछ रेट लिमिटिंग स्टेप्स होते हैं है ना, तो ये सब स्टेप्स तो मैं बताने पड़ते थे क्यों है ऐसा, इंग्लिश में लिख दो, इंग्लिश में उनको समझ जाता था। और उसके बाद भी उसके एक सिचुएशनल टास्क रहते थे, जैसे एल्डोलेस रिडक्टस पाथवे मान लो, उसमें जैसे क्या होता है, वो खराब होता है तो आपकी ये डायबिटीज मेलिटस हो जाती है, तो उसमें रेटिनोपैथी होती है, ये सब तो ऐसे ही कुछ कुछ सिचुएशनल टास्क रहते थे कि मतलब एल्डोलेस रिडक्टस पाथवे में कुछ प्रॉब्लम हो गई इस जगह में, तो पेशेंट को मतलब ये क्या बोलते हैं, ग्लूकोज बढ़ रहा है उसका, एक ग्लूकोज कम है, और साथ में रेटिनोपैथी होगी, तो कौन से एंजाइम मिसिंग है या कौन से एंजाइम में कौन से पाथवे में दिक्कत आ रही है, तो ऐसे टाइप में एमसीक्यू रहते हैं, आपको पूरा समझाना पड़ता था। ठीक है, तो इस टाइप के कुछ आपके सिचुएशनल टास्क रहते, तो बहुत सारे सबको अलग अलग आते थे, तो इस टाइप का आपका वो होता था, थोड़ा ज्यादा ध्यान, मतलब एग्जाम टाइम में थोड़ा ज्यादा मेहनत किसमें करनी पड़ेगी, क्योंकि साल भर तो आप ये पढ़ लोगे फिजियोलॉजी, आपको उसमें दिक्कत नहीं आएगी, पर मेन आपको बायोकेमिस्ट्री में दिक्कत आने लगेगी, क्योंकि आखिरी में भी ये लोग वो साइकिल जितनी होती थी, और आखिरी में भी जैसे मेन एग्जाम में भी पूरी साइकिल्स आती हैं, तो आपको पूरी साइकिल जितनी साइकिल है सब रट के जानी है, और वहां पे एग्जाम में या तो भाई मुंह से अगर उनको सिर्फ बोल के बताओगे कि हाँ ये सब स्टेप्स होते हैं ये सब, तो कम नंबर देंगे, और स्ट्रक्चर्स के साथ बना बना के बताओगे तो भाई तुम्हें 5 ही 5 दे देंगे वो। तो इस टाइप की आपकी कुछ क्लास होती है बायोकेमिस्ट्री की, मैं बस बेटर बोलूंगा डिपार्टमेंट, क्योंकि इंग्लिश आती है उन लोगों को, ऐसा नहीं नहीं आती, कुछ दो तीन टीचर हैं उनको अच्छी खासी इंग्लिश आ जाती है, और नतालिया मैम है जो वहाँ पे जो सबसे स्ट्रिक्ट हैं, यंग टीचर है तो मैं दूर से ही दिख जाएगा। ठीक है, तो वो थोड़ी स्ट्रिक्ट है, वो अगर तुम्हें मिले तो अच्छा है, तुम अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, ऐसे कुछ आपका मॉड्यूल और ये होता था, मॉड्यूल मैंने बता दिया, पहले एमसीक्यू उसके बाद क्लास में जाओगे, तो इस हिसाब से होता था। ठीक है,
मेन स्ट्रक्चर फोकस करते हैं वहाँ पे। देन तीसरा सब्जेक्ट आपका माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी जब आपका स्टार्ट होगा तो स्टार्टिंग में हम लोग की यार वो थी एक अच्छी टीचर, उनके येलो रंग के बाल हैं, येलो और सफ़ेद हैं, यंग हैं वो, बूढ़ी नहीं है और मैं नाम भूल गया उनका। बहुत अच्छी मैम है यार वो, मतलब अच्छी खासी उनकी इंग्लिश है। और तुम फर्स्ट क्लास में जाओगे तो मतलब बायोकेमिस्ट्री में भी वही होता है, तुम्हें पढ़ के जाना रहता था ठीक है, और पढ़ के जाओगे तो वो तुमसे पूछेगी मतलब एक शॉर्ट, सबसे पहले तो स्टार्टिंग में तुम्हारा शॉर्ट एमसीक्यू होगा जिसमें 10 एमसीक्यू होते थे, उसके बाद क्लास स्टार्ट होती है ठीक है। उसके बाद क्लास स्टार्ट होगी, मैम तुमसे क्वेश्चन पूछेगी, तुम्हें आंसर देने हैं, उस बेसिस पे मैम तुम्हारे नंबर लिखाएंगी। और हर क्लास के बाद प्रैक्टिकल होते हैं, जैसे माइक्रोबायोलॉजी में स्टेनिंग स्टार्ट होती है, जैसे वो स्टेनिंग होती है ना यार, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, उसको पूरा स्टेन करके वो हीट करते हैं, फिर वो सब उसको चिपकाओ, ऑयल ऑयल इमर्जन, अबे बहुत सारी स्टेनिंग में मतलब मेरे को याद नहीं आ रहा यार, ऐसे वीडियो बनाते बनाते मेरे माइंड में आ नहीं पाता, बाद में याद आता अच्छा ये, तो वो सब पूरी स्टेनिंग है, जेल नेजलसन स्टेन है। फिर माइक्रोस्कोप का पूरा होना चाहिए, फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, क्या डिफरेंस है, कैसे तुम देख सकते हो, किस में क्या देख सकते हो, यही सब रहता है। फिर आगे के बढ़ते जाओगे तो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के एक एक कैरेक्टरिस्टिक पूरे पैरासाइटोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी सब कुछ तुम्हें बैक्टीरिया एक एक करके समझाना पड़ेगा मैम को, उस बेसिस पे तुम्हारे नंबर मिलते हैं। और मॉड्यूल्स ऐसे रहते थे कि मॉड्यूल्स में आप जाओगे तो आपको जैसे मीडियम सब, जैसे हम लोग का जो मॉड्यूल होता है, मेरे को एक ही याद है, ऐसे तो बहुत तीन चार मॉड्यूल होते हैं हमारे, पर मैं एक मॉड्यूल का बता रहा हूँ कि मतलब माइक्रोबायोलॉजी में फ्रॉथ मीडियम और ये मीडिया एक करके आता है जिसमें बैक्टीरिया को कल्चर किया जाता है, तो वो बहुत स्टार्टिंग में हमको समझ नहीं आता, तो स्टार्टिंग में मतलब पूरे मैम रख देंगी, उसके बाद तुम्हें एक कोई भी मैम जैसे मीडिया उठा लेंगे, जैसे ये मीडिया है, जैसे यही उठा लिया मैम ने कि ये कौन सा मीडिया है, तो तुम्हें इसका पूरा कैरेक्टरिस्टिक जैसे ब्लड अगार है या कोई भी टेल्यूराइट मीडियम है या कोई भी लोफरसन जेंसन मीडियम है ये, तो सबका और किस बैक्टीरिया के लिए पर्टिकुलर यूज़ किया जाता है ये ठीक है, और लोअर जेंसन मीडियम जैसे टीबी, शायद टीबी के लिए ये है लोअर जेंसन मीडियम, उसके लिए यूज़ करते हैं ट्यूबरकुलोसिस के लिए, तो क्यों यूज़ किया जाता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है, कौन सा बैक्टीरिया, अब इसको तुम ऑप्टिकल सेंसिटिविटी टेस्ट होते हैं कुछ कुछ, तो उससे कैसे पहचानोगे, तो ये सब आप कुछ पढ़ोगे तभी समझ आएगा, स्टेफाइलोकोकस को इससे कैसे डिफरेंशिएट करोगे इसको कैसे, तो यही सब मैम थोड़ा पूछती है, तुम्हारी नॉलेज बेस चेक करेंगे, उसमें तुम्हें 5 मार्क्स देके भाई अगर बन गया तो ठीक, नहीं बना तो 3-4 देके भगा देगी, तो ये सब पूरा चेक करके मैम तुम्हें भेज देंगी। और इसके मॉड्यूल में यही मैम पूछती थी एमसीक्यू, स्टार्टिंग में 10 एमसीक्यू दे देगी वो, कुछ टेस्ट में हमको देती थी कुछ में नहीं देती थी, मॉड्यूल में बेसिकली बता रहा हूँ, तो स्टार्टिंग में कुछ टेस्ट देगी वो कुछ नहीं देगी ठीक है। और फिर उसके बाद आपके क्वेश्चंस रहते थे, 3 क्वेश्चन रहेंगे, वो आपको लिखने हैं, वहीं पे अपना पेपर सबमिट करना है, और फ़ोन ओन मैम एक जगह रखवा लेती थी तो चीटिंग का सवाल ही नहीं उठता, उसके बाद मैम को तुम दिखा दोगे तो दे देगी। और डिपार्टमेंट पूरा ही अच्छा, माइक्रोबायोलॉजी में ऐसे तुम्हें कोई दिक्कत नहीं जाएगी, पूरा डिपार्टमेंट बेस्ट है वहाँ का, सब टीचर्स अच्छे हैं, हर दिन तुम्हारे प्रैक्टिकल होंगे, मतलब हर दिन तुम्हारे कोई ना कोई, हर दिन नहीं जब भी क्लास रहती है उस दिन तुम्हारा प्रैक्टिकल होता ही है, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी में वही स्टेनिंग ये सब रहता है, तो प्रैक्टिकल मस्ट है उसमें कि हर, और तुम्हें करवाने हर टेस्ट पे तुम्हें वो बर्नर वो सब करें तो तुम्हें सिखाएंगी वो, तो अच्छे से सीख लेना वो सब ठीक है। तो यही सब है फिर, और माइक्रोबायोलॉजी के साथ आपकी ये भी चलती, इम्यूनोलॉजी भी चलती है, तो माइक्रोबायोलॉजी अलग चलेगी और इम्यूनोलॉजी भी चलेगी, पर इम्यूनोलॉजी ये आपका उसी सेकेंड ईयर में ही इसका जाचोद होकर खत्म हो जाएगा, पर माइक्रोबायोलॉजी आप थर्ड ईयर में दिसंबर में इसका एग्जाम देके फ्री होंगे, और एग्जाम में भी वही पूरे क्वेश्चन की लिस्ट आती है ठीक है, जितने भी बैक्टीरिया वो सब, अगर आपको कोई एक बैक्टीरिया फंस गया तो उसका आपको क्या मतलब कैसा बैक्टीरिया, क्या कैरेक्टरिस्टिक है, रॉड शेप्ड है, जैसे भी है वो बता दो आपको, स्टेफाइलोकोकस है, जैसे स्टेफाइलोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस कौन सी डिसीज कर रहे हैं, कौन से मीडियम में उसको ग्रो करते हैं, उसके टॉक्सिन एंडोटॉक्सिन, अब जैसे टिटेनोप्लाज्मिन ये सब जो भी रहते हैं उसके बहुत सारे रहते हैं, फिर जैसे इकोलाई आता है तो उसमें बहुत सारे टाइप्स है, इकोलाई के वेरियंट है, म्यूटेशन हो रहे हैं, म्यूटेशन के वो बताने हैं, अब जैसे इकोलाई के कुछ कुछ रहते हैं ETEC वेरिएंट है, EIAC ऐसी, मतलब ट्रैवलर्स डायरिया बोलते हैं एक को अलग, एक मतलब 4-5 डायरिया टाइप है उसके, तो ये सब तुम्हें बताने पड़ते हैं, और कौन सी डिसीज़ कर रहे हैं, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस स्टेफाइलोकोकस ये सब है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम TSST सिंड्रोम जैसा करता है, तो वो सब आपको बताना है, क्यों मतलब मेन जो आपको कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट है ना वो सब आपको बताना पड़ता है, तो उसके लिए नोट्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि मेरे को भी बनाने पड़े थे, इतने सारे बैक्टीरिया नहीं याद होते भाई, तो तुम्हें करने पड़ेंगे। और उसके बाद वो आपको फिर फंगाई ये माइकोलॉजी वो करनी पड़ेगी, पैरासाइटोलॉजी ये सब आपको पूरी याद करनी पड़ेगी, टेप फॉर्म ये सब पूरे कैरेक्टरिस्टिक, तब जाके आप एग्जाम में बैठ पाओगे, वहाँ आपको लिखना है सब कुछ, मैम को सुनाना है और वहाँ पे आप पास हो जाओगे, तो इस टाइप का कुछ। और डिपार्टमेंट बोलो तो डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है ठीक है। तो ये वीडियो बहुत
यूजफुल हो गया सेकेंड ईयर वालों के लिए, तो प्लीज़ देख लेना। मैं सोच रहा था बड़ी ना हो, पर ये भी बड़ी हो गई कुल मिला के, क्योंकि डिटेल में बताने में हो ही जाती है बड़ी। तो होप्स आपको अच्छी लगी हो, और ऑल द बेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। उनके एग्जाम भी हो ही गए हैं, ठीक है, जैसे हमारे आज सबके मैक्सिमम खत्म हो ही गए हैं, तो तुम लोग सेकेंड ईयर में अच्छे से पढ़ना भाई, नाम रोशन करो देश का, ठीक है। तो यही सब है, तीनों डिपार्टमेंट अच्छे हैं, दिक्कत नहीं आएगी। बायोकेमिस्ट्री का थोड़ा बस लो है, तो उसमें भी चल जाएगा, फिर थर्ड ईयर में तो आ ही जाओगे आप लोग, सेकेंड ईयर में ऐसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो और रशियन है, रशियन में वही मैं बता चुका हूँ, रशियन का सेकेंड मेरी एक वीडियो है, वो 4 साल में रशियन में क्या पढ़ाया जाता है, तो उसमें आपको पता चल जाएगा सेकेंड ईयर में रशियन में क्या है, तो वो सब आप देख लेना, या तो मैं आई बटन में डाल दूंगा। तो उस हिसाब से मेहनत करो और पढ़ते रहो भाई, जितना पढ़ोगे उतना अच्छा है, ठीक है। और नहीं भी पढ़ो तो थोड़ा थोड़े पॉइंट्स, मतलब ऐसा ना तुम बस एक रीड मार लिया करो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे सामने कोई बोले हाँ भाई स्ट्रेप्टोकोकस, तो तुम बोले ये क्या होता है, इतना इतना भी चूतिया नहीं बनना है ना, मतलब कुछ है तो कुछ तो मेन याद रहे भाई, हाँ ये सुना था हमने, कुछ होता है, इतना रहे बस, इतना पढ़ लिया करो, बाकी और किसी को कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है, ठीक है। तो मैं रखता हूँ, होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू, और सब्सक्राइब माई चैनल। और यार व्यूज़ इतने कम ला रहे हो भाई, एकदम से स्टार्ट करो तो थोड़े बढ़ाओ यार इसको, मतलब एक्सेलरेट करो व्यूज़ को, और सब्सक्राइब करो, बढ़ाओ थोड़ा भाई को अपने, आगे खींचो थोड़ा, है ना। चलता हूँ मैं, और बस इतना ही था, प्रैक्टिकल पार्ट इसका बता दिया, बायोकेमिस्ट्री। हाँ बायोकेमिस्ट्री में प्रैक्टिकल यार कुछ में, बायोकेमिस्ट्री में प्रैक्टिकल थोड़े कम होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे, और जो भी होंगे वो आपके केमिकल से रिलेटेड होंगे, है ना। तो मैं सही बताऊँ, हम लोग तो प्रैक्टिकल में बकचोदी होती थी, हम लोग के वहाँ पे बायोकेमिस्ट्री में बकचोदी करते थे, हमने तो ज़्यादा सीखा नहीं, बस फोटो खींच लेते, हम सोचे कभी जिंदगी में काम आएगा, पर वो कभी हमें काम नहीं आया, ना हमने कभी पलट के देखा। तो बायोकेमिस्ट्री अभी हम लोग की एक तरीके से पेंडिंग बोल दो, आधा अधूरा पढ़ा, तो वो मैं कभी पढ़ूंगा आगे, ठीक है। तो रखता हूँ मैं, इतना ही था, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब एंड गुड नाइट, कल मिलते हैं।